जिले में मतगणना ड्यूटी में लगे आरओ व एआरओ का प्रशिक्षण निर्वाचन कंट्रोल रूम में संपन्न हुआ, जिसके संबंध में जिलाधिकारी जिला निर्वाचन अधिकारी विजय किरण आनंद ने बताया कि जिले के सभी 9 विधानसभा के आरओ व एआरओ को मतगणना के लिए प्रशिक्षण दिया गया है। पोस्टल बैलेट से भी मतदान कराई गई है, उनको सबसे पहले स्कैनिंग की जाती है और अलग अलग विधानसभा के टेबल पर राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों व प्रेक्षकों के सामने मतगणना की जाती है। उन्होंने कहा कि आरओ व एआरओ को ईवीएम से मतगणना का भी प्रशिक्षण दिया गया है, जिससे समय पर निर्वाचन आयोग वेबसाइट पर समय समय पर चुनाव का अपडेट अपलोड किया जा सके ताकि पारदर्शिता बनी रहे। उन्होंने कहा पहले भी आरओ व एआरओ को प्रशिक्षण दिया गया है, जिससे कि मतगणना को सकुशल संपन्न करवाया जा सके। इस अवसर पर एडीएम फाइनेंस उप जिला निर्वाचन अधिकारी राजेश कुमार सिंह, एसडीएम खजनी पवन कुमार, एसडीएम सहजनवा सुरेश कुमार राय, न्यायिक तहसीलदार नीलम तिवारी, तहसीलदार गोला सुनीता गुप्ता, तहसीलदार सदर ब्रजमोहन शुक्ला सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए जिलाधिकारी जिला निर्वाचन अधिकारी विजय किरण आनंद ने कहा, आप लोगों के पास में रिटायर होके वापस आ रहे हैं जिनको की स्कैनिंग किया जाता है, तो वो एनवेलप आपके पास इस तरह से आएंगे। आपके पास एक एनवेलप होगा, ये हमारा अपर एनवेलप होगा। हो सकता है कि किसी के यहाँ पे भेजते समय एक और एनवेलप लगा दिया हो, और अगर ये सही होगा तो हमें नेक्स्ट स्टेप पर जाना होगा। वो अभी हम लोग प्रैक्टिकली हैंड ऑल भी करेंगे, तो उसमें किस तरह से करना होगा वो बताएंगे। ये मैं आपको बस ये उस एनवेलप को जब ओपन किया जाएगा आपके पास आएगा फॉर्म 13A, ये इस तरह का एनवेलप होगा। आप लोगों ने देखा होगा जब गया था तो हम लोग 13 पेजेस गए थे, एक पोस्टल बैलेट के साथ में 13 पेजेस गए थे, जिसमें कुछ ब्लैंक पेजेस थे और कुछ पेजेस में आपके ये प्रिंट आउट इस तरह से बने हुए थे। 13A, 13B, 13C कवर था पोस्टल बैलेट का, और फिर 10 गाइडलाइंस भी, 1 पेपर्स थे। ये फॉर्म 13A जो है, आप इसको देखेंगे फॉर्म 13A को, इसमें भी दोनों साइड में बार कोड स्कैनर दिया, मतलब ये QR कोड दिया हुआ है। आपको पहले ये वाला QR कोड स्कैन करना है, लेफ्ट हैंड साइड वाला, फिर राइट हैंड साइड वाला। अगर ये सही है तो हमें नेक्स्ट स्टेप पे जाना होगा। फॉर्म 13 इसको भी स्कैन कर लेंगे, और स्कैन करने के बाद में अगर ये सही होगा तब हम इसको ये तीनों चीज़ें, अगर हमारी ये दोनों चीज़ें सही लिख लिया लिखना भी है नंबर। हाँ, तो जो नंबर आपके स्क्रीन पर आएगा उस इसी लिफाफे पे आपकी हो रही होगी, जहाँ पे वो लोग बंडलिंग करेंगे वहाँ पर ही ये खुला जाएगा। तो ये करके आप इस तरह से इसको रख देंगे। ये मतलब स्कैनर से सबसे पहले 13C को आप स्कैन करेंगे, उसको ओपन करेंगे उस लिफाफे को, उसके बाद में 13A को खोले, मतलब आपको चार ये QR कोड स्कैनर से स्कैन करने हैं और आपका एक ETKVS क्लियर हो गया, स्कैनिंग वाला क्वेश्चन। सर एक में दो हैं, 13A में सर, 13A में ये दो, तीसरा बैलेट वाला ये 13C है, और ये जो बैलेट जिसके अंदर है 13B लिखा हुआ है उसके कवर पे, उसके लिफाफे पर एक इस साइड बना होगा, राइट हैंड साइड में। हाँ जी, आज सभी आरओस और ईआरओस को मतगणना प्रक्रिया के बारे में प्रशिक्षित किया जा रहा है। सबसे पहले जो पोस्टल बैलेट इलेक्ट्रॉनिक विधा से आई है उसमें पहले आयोग के निर्देशों क्रम में स्कैनिंग होती है, और उसके बाद उसकी गणना अलग टेबल्स पे प्रत्याशियों के एजेंट्स के सामने होता है, प्रेक्षकों के महोदय के सामने होता है, तो उसकी ट्रेनिंग की जा रही है। पोस्टल बैलेट्स की ट्रेनिंग, मतगणना की ट्रेनिंग हो रही है, और ईवीएम काउंटिंग की भी ट्रेनिंग हो रही है। हमारे मास्टर ट्रेनर्स द्वारा क्षमता वृद्धि की जा रही है, उसमें ऑनलाइन प्रक्रिया जो आयोग के वेबसाइट इनकोर में अपलोड किया जाता है, अद्यावधि किया जाता है, रियल टाइम में वो होता है ताकि पारदर्शिता बनी रहे, उसके लिए भी उनको प्रशिक्षण दिया जाता है। कानून व्यवस्था की बात, वहाँ पर पूरी प्रक्रिया आयोग के मैनुअल के अनुसार करने के लिए, और उसको में भी प्रशिक्षित किया गया, अभी उनको रिफ्रेशर ट्रेनिंग दिया जा रहा है। सभी हमारे आरओस ईआरओस काफ़ी दक्ष हैं और काफ़ी कार्यकुशल हैं, और अच्छी व्यवस्था के साथ काउंटिंग एजेंट्स के समक्ष और प्रेक्षकों के समक्ष आयोग के निर्देशानुसार कार्रवाई संपन्न की जाएगी।